नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी के द्वारा डिग्री पार्ट टू का फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन आ चुका है। जो भी कैंडिडेट पार्ट टू का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उन्हें इन स्टेप को फॉलो करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार से आप डिग्री पार्ट टू का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को जैसे ही ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सर्च टैब वेब में स्टेट एड्रेस में यहाँ पर सर्च कीजिएगा डिजिटल बिहार DIGITAL डिजिटल बिहार सर्च करके यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे एंटर कीजिएगा आपको इस प्रकार कुछ पेज ओपन हो जाएगा, या फिर पहला लिंक आएगा digitalbihar.in करके लिखेगा तो इस प्रकार का पेज खुल जाएगा, या फिर डिजिटल बिहार लिखेगा तो पहला लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके आप इस प्रकार के होम पेज पे आ जाएंगे। जैसे ही होम पेज पर आएगा तो यहाँ पर नीचे कीजिएगा स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर लाइव अपडेट का सेशन मिलेगा या दिया हुआ BNMU पार्ट टू का फॉर्म फिलअप का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। सिंपल यहाँ पर क्लिक कर दिए हैं और ये पेज ओपन हो रहा है। कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप बारीकी से बताया गया है, आप लोग सबको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा सारा चीज़। और यहाँ पर दिया गया है नोटिस भी, स्कूल के द्वारा यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑफिशियल नोटिस है, इसे देख लीजिए किसको कितना शुल्क लगेगा। पार्ट टू का प्रैक्टिकल वाला को 10 रुपये लगेंगे और विदाउट प्रैक्टिकल वाले को 810 रुपये लगेंगे। इस प्रकार से आप सारा नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। और नीचे आइएगा, यहाँ पर दिया हुआ है पार्ट टू एग्जाम फॉर्म फिलअप, यहाँ पर क्लिक हेयर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, यानी कि आईडी और पासवर्ड, और यहाँ पर कैप्चा है, कैप्चा यहाँ पर आप लोग दे दीजिएगा और लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। तो कुछ पे इस प्रकार का आपका पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप का ऑप्शन दिया रहेगा, यहाँ पर आप एग्जाम फॉर्म फिलअप के ऑप्शन पर उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम फॉर्म फिलअप यहाँ पर है, इसको ऊपर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा, आपका रोल नंबर कितना है, रोल कमर रजिस्ट्रेशन नंबर, सारा चीज़ आ जाएगा। उसके बाद सिंपल क्या करना है, कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पर आपको टिक लगा देना है और यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर टिक लगाइए और उसके बाद सेव करिएगा, और कुछ नहीं करना है, होम पेज पे आ जाना है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप अपने होम पेज पर आ जाइएगा और कुछ नहीं करना है, बाकी के आप फॉर्म डालने के बाद जो है आप इसको डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, एग्ज़ाम फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को, यहाँ पर दिया है डाउनलोड एग्ज़ाम फॉर्म, इसके ऊपर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर देखिए फर्स्ट ईयर का है एग्ज़ाम फॉर्म और सेकेंड ईयर का है एग्ज़ाम फॉर्म, यहाँ पर आप इसको क्या कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद आप यूनिवर्सिटी के पास इसको जमा करना होगा, आपको अवश्य ही जमा करेंगे, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कार्ड है, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड है तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर नहीं है तो यहाँ से आप क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, यूनिवर्सिटी के पास जाना है जहाँ इस कॉलेज में आपका नाम है, वहाँ पर जाएंगे उसको जमा कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड, अभी जो फॉर्म फिलअप किए हैं वो, एडमिशन रसीद, एडमिट कार्ड होगा तो ले लीजिएगा, अगर आप निम्न जाति से बिलोंग्स करते हैं तो जाति आई निवास तीनों ले लीजिएगा तो 150-200 रुपये तक का छूट मिल जाता है। ध्यान रखिएगा जनरल को नहीं मिलता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।